जी मालिक। रमेश तुम लोगों का काम खत्म हुआ कि नहीं? बस मालिक थोड़ा सा बाहर का काम बाकी है। जल्दी करो, टाइम बहुत कम है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जॉन, पार्टी के लिए सबको रिमाइंड करवा दिया? जी सर। सीमा, और कितना टाइम लोगे तैयार होने के लिए? ओहो, तैयार कैसे हूँ, आप तैयार कहाँ होने दे रहे हैं? अरे रामू, मेरी साड़ी लाना। लो, साड़ी यहाँ पड़ी है, मैं यूं ही चला रही। सर यहाँ पे बार लग जाएगा और वहाँ पे बैंड। चलिए मैं तैयार हो गई। सर यहाँ पर खाना लग जाएगा और मैंने आतिशबाजी का भी इंतजाम कर दिया है। वेरी गुड, यानी बारात तैयार है, सिर्फ दूल्हे का इंतजार। यस सर। रामू साहब कहाँ है? साहब बगीचे में है। यहाँ प्लेन का वक्त हो गया और आप बगीचे में घूम रहे हैं? अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे ये क्या लगा रखा है? कहाँ? या नाक पर, नाक पर सिंदूर लग गया। ओह, इतनी जल्दी करेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाएगी। दरअसल मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। चलिए ना। हाँ चलो चलिए। एक बात बताऊँ सीमा? अपनी हालत भी तुम्हारे जैसी। ये सब शोर शराबा, अपनी नर्वसनेस, अपनी परेशानी को छुपाने के लिए कर रहा हूँ। नेचुरली हमारा बेटा लंदन में अपनी पढ़ाई खत्म करके इतने सालों के बाद आ रहा है, नर्वसनेस तो होगी ना। आओ। किस तरफ? इस तरफ। राजीव सिन्हा जहां कहीं भी हो, इंक्वायरी काउंटर पर तशरीफ लाएं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस। मेरा नाम राजीव सिन्हा है, आपने कुछ अनाउंसमेंट की थी मेरे बारे में? जी हाँ, ये साहब आपसे मिलना चाहते हैं। आप अपने बेटे रोहित को लेने आए हैं? हाँ। जो लंदन से एयर इंडिया की फ्लाइट से आने वाला था? जी हाँ, क्या बात है? आपका बेटा ड्रग्स लाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। इट्स नॉट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? मेरे पास उसके बैग में हेरोइन मिली है। डैड यूं समझ लो किस्मत अच्छी थी कि बाल बाल बच गया। एकदम मेरे जैसा बैग था जो कि मैंने एन मौके बता दिया, नहीं तो इस वक्त जेल में चक्की पीस रहा होता। लेकिन रामलाल श्यामलाल का लाखों रुपए का घाटा हो गया ना। अरे जान बचाना तो अच्छी बात है बेटे, लेकिन वो ड्रग्स का बैग किसी तरह भी बाहर आ जाता ना तो दोनों बाप बेटे ऐश करते। ये मैं क्या देख रहा हूं? सर प्रोसिक्यूशन का नया केस है सर। मुझसे कितने केस हैंडल करने की उम्मीद की जाती है खन्ना? अपना केस तो मुझसे हैंडल नहीं हो रहा। सर डॉक्टर ने आपको दोनों चीजों से मना किया है, शराब और स्मोकिंग से। बेचारा डॉक्टर और कर भी कह सकता है। खैर केस के बारे में बताया जाए, किसकी मौत आई है? सर ये केस रोहित नाम के लड़के के बारे में है जो लंदन से आया है और ड्रग्स के जुर्म में पकड़ा गया है। इसमें कौन सी खास बात है? ये केस को तो तुम खुद हैंडल कर सकते हो। इस केस की अहमियत ये है कि ये लड़का आपके दोस्त राजीव सिन्हा का इकलौता बेटा है। क्या नाम बताया? राजीव सिन्हा। राजीव सिन्हा। राजीव सिन्हा, आखिर किस्मत ने मुझे मौका दे ही दिया। देर आए दुरुस्त आए, अब मैं बदला लूंगा। उसके बेटे को जिंदगी भर के लिए जेल की कोठरी में फेंक दूंगा। राजीव को बदनाम करके रख दूंगा। वो दोनों मेरी मुट्ठी में, मेरी मुट्ठी में। राजीव और सीमा। वकील साहब, मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर है, वो ऐसा गुनाह नहीं कर सकता। भैया आप तो कुछ ज्यादा ही घबरा गई मिसेस राजीव सिन्हा। देखिए आपका बेटा पहली पेशी में बरी हो जाएगा, डोंट वरी। हमारे स्टाफ ने एक सबूत का पता लगाया है और उस सबूत से
आपका बेटा बिल्कुल बेकसूर साबित होता है। ये देखिए आज का अखबार, देखिए इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये चीफ मिनिस्टर खड़े हैं और इनके पीछे सामान की एक ट्रॉली नजर आ रही है। इस ट्रॉली पर एक सूटकेस और एक बैग रखा हुआ है। दरअसल ये बैग आपके बेटे रोहित का है और इस बैग को इस आदमी ने अपने बैग से बदल दिया है, क्योंकि दोनों बैग एक जैसे हैं और इसी बात को आपके बेटे रोहित ने कन्फर्म किया है। ये कोर्ट में साबित हो सकता है? बिल्कुल भाई, वो कहते हैं ना कि चोर हमेशा अपनी कोई ना कोई निशानी छोड़ ही जाता है। अब देखिए इस तस्वीर को आप जरा गौर से देखिए। हम इस तस्वीर को ब्लो अप करेंगे और सूटकेस पर लगे टैग पर हमें नाम और पता नजर आ जाएगा, यानी कि उस मुजरिम का नाम और पता। कल तक तो खैर मना रहे थे, आज मातम करो। क्या बात है डैड? अबे ये देख, मिनिस्टर के साथ तेरी तस्वीर भी छपी है। डैड इसमें तो सिर्फ बैग नजर आ रहा है, मैं क्या दिखाई दे रहा हूं? अरे कभी तो अपनी अकल इस्तेमाल कर लिया कर। तेरा क्या ख्याल है, फोटोग्राफर ने एक ही तस्वीर ली होगी? अरे किसी तस्वीर में तेरी शक्ल नजर आ गई ना तो हमारा कच्चा चिट्टा सब खुल जाएगा। अरे तुम तो तुम, मुझे भी चक्की पीसनी पड़ेगी। तो अब क्या करें डैड? अबे डैड के बच्चे, उस फोटोग्राफर का पता लगाकर फोटोज और नेगेटिव्स हासिल करने पड़ेंगे हमें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। इसके नेगेटिव्स मुझे जी अभी लाता हूं। बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है मुझे उनका चेहरा। अरे ये क्या किया आपने? समझदार आदमी वो होता है जो सवाल नहीं करता है और उसके बस इनाम पाता है, 20,000 रुपए। अब एक काम करो, अलीगढ़ का बड़ा सा ताला खरीदो, इस दुकान पे लगाओ और यहां से 9-2-11 हो जाओ। तुम्हारे लिए यहां का मौसम खराब हो सकता है। डैड हाँ, यही उस फोटोग्राफर की दुकान है। एयरपोर्ट पे ये तस्वीर तुमने ली थी? हाँ मैंने ली है। क्यों, फोटो लेना कोई गुनाह है क्या? मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दो वरना तुम अपने गुनाहों का हिसाब चुकाते रहोगे। तेरे पास कुछ और तस्वीरें? डैड ये देखो। क्या जब तबाही आती है ना तो तस्वीर बंद कर आती है। ये देखो तुम्हारी शक्ल साफ नजर आ रही है, इसके नेगेटिव्स कहाँ हैं? मेरे पास नहीं है। क्यों जान देने पे तुला है? जल्दी निकाल निकाल जल्दी। मैं सच कह रहा हूँ मेरे पास कुछ नहीं है। अभी अभी एक आदमी आया, पैसे देकर सारे नेगेटिव्स लेकर चला गया और कह रहा था दुकान पे ताला लगा दो। ताला लगा दो? कौन था वो? वो फोटोग्राफर लापता है, उसे जमीन खा गई है आसमान। उसने अपनी दुकान बंद कर दी, यानी कि उसकी दुकान पर ताला लगा हुआ है और उसका कोई पता नहीं। जब तक वो सबूत हमारे हाथ नहीं लग जाता तब तक हम कोर्ट को यकीन नहीं दिला सकेंगे। अब क्या होगा, और कोई रास्ता? बना बनाया केस था लेकिन अब वो उलझ गया है। ऊपर से वो कमबख्त सड़ा पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हमेशा जला भुना बैठा रहता है, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है, जल्लाद है, एकदम जल्लाद। कौन है वो? अमर सक्सेना। ओह माय गॉड, अमर सर, आपने रोहित के केस को बहुत पेचीदा बना दिया है, उसे बरसों की सजा हो सकती है। एक बात याद रखो, दोस्ती करो तो जान दे दो, दुश्मनी करो तो जान ले लो, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। लगता है राजीव सिन्हा ने आपको बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। ऐसी चोट पहुंचाई है जिसे मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। सुनाइए कौन? मैं बोल रही हूँ। वो लाइट चली गई है, आपको फ्यूज लगाना आता है? फ्यूज? जी हाँ फ्यूज। हाँ हाँ क्यों नहीं, नो प्रॉब्लम। अजी लाइट का क्या है, ये तो आती जाती रहती है, आप घबराइए मत। आप सिर्फ इतना बताइए फ्यूज बॉक्स का है। आइए। ओके। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अरे मैडम अंधेरा तो बहुत कमाल की चीज है। अरे संभल के। सब पर पर्दा रखता है, ये कमबख्त रोशनी है जो सबको नंगा कर देती है। घर में टॉर्च है? नहीं है।
माचिस तो होगी। माचिस? माचिस आग लगाने के काम आती है। माचिस यहीं कहीं पड़ी होगी। और एक तार, क्योंकि तार के बिना एक सिरा दूसरे सिरे से नहीं जुड़ता। मैंने आपको बुलाकर कहीं गलती तो नहीं कर दी जी? हाँ नहीं कुछ नहीं। इसका फैसला इतनी जल्दी मत कीजिएगा। अच्छा ये लीजिए तार और ये माचिस। थैंक यू, दो मिनट का काम है, लगाना है। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? आज पहली बार जिंदगी में पता चला रोशनी कितने काम की चीज है। क्या हुआ? फ्यूज उड़ गया। फ्यूज उड़ गया? हाँ, आपके घर का फ्यूज उड़ गया ना, वो फ्यूज। फ्यूज हाँ सामने है, आप मुझे माचिस दे दीजिए, मैं रोशनी कर देती हूँ। हाँ, ये देखिए, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, इस कमबख्त जिंदगी ने आदमी से जोकर बनाती है। रोशनी आ गई। रोशनी आ गई? हाँ आ गई, आपकी वजह से। थैंक यू। नहीं थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बिना मांगे मैं आपको अपनी कीमती राय देना चाहता हूँ। फरमाइए अपनी कीमती राय। तीन चीजें याद रखिए। एक, घर में एक टॉर्च रखिए। दूसरी, किसी अजनबी को अपने घर में मत बुलाइए। तीसरी, आइंदा आपका फ्यूज खराब हो तो सिर्फ मुझे बुलाइए। बाय। बाय। तुमसे कितनी बार कहा है जी कि घर का खर्चा पूरा दिया करो या खुद ही घर चला। तुम तो जानती हो कि मैं कितना कमाता हूँ। तो मैं क्या करूँ, तुम्हारी तनख्वाह तो बढ़ती नहीं लेकिन महंगाई तो बढ़ती है। अरे शांति, तुमसे कितनी बार कहा है कि जरा हाथ खींच के खर्च किया करो। अच्छा मुझे हाथ खींचने को कहते हो लेकिन अपने भाई से क्यों नहीं कुछ कहते? चार पैसे की मदद कर देगा तो उसका वजन हल्का नहीं हो जाएगा? जब वो काम पर लग जाएगा ना, खुद ब खुद मदद कर देगा। पता नहीं कब वो शुभ दिन आएगा। तुम कब आए? अभी अभी आए हैं। आप इधर से आए, चाचा यहाँ से आए। जाओ अमर, जाके आराम करो, थक गए होगे। जी। चाचा आप ऊपर जाइए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। मम्मी चाचा के लिए खाना ले जाओ। देती हूँ, काम धाम तो कुछ करता नहीं, बस रोटियां तोड़ता है। मम्मी तुम क्यों बार बार चाचा के बारे में? चाचा की चमची, एक टॉर्च और एक फ्यूज वायर देना। फ्यूज? आपको फ्यूज लगाना आता है या किसी को भेज दो? फ्यूज लगाने वाला है। बोलिए कबाऊ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी भाभी ने मेरा फ्यूज उड़ा दिया, आज आप लगा दीजिए। ये लीजिए फ्यूज और टॉर्च। टॉर्च हिसाब में लिख देना। क्या हुआ? क्या बता सकती हैं कि बैंगन को बैंगन क्यों कहते हैं? बिल्कुल बता सकती हूँ, इसलिए कि उसकी शक्ल बैंगन जैसी है। वाह क्या सोच है आपकी, आप ही मेरी जिंदगी में रोशनी कर सकती है। आगे बोलिए आपकी प्रॉब्लम क्या है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी भाभी ने पहली बार मुझे सब्जियां खरीदने की असाइनमेंट दी है। और आपको कद्दू भी खरीदना नहीं आता। अरे कद्दू ही तो खरीदना है। आपकी लाइफ का क्या होगा? कुछ नहीं होगा मैं जानता हूँ, बस आप कभी कहीं किसी मोड़ पर मिलते रहिएगा। एक कद्दू देना भाई, कद्दू। भाभी भाभी, अरे भाभी देखो क्या ताजी ताजी सब्जियां लेकर आया हूँ, खुश हो जाओगी। तुम अपने देवर को बेकार समझती थी ना, आज बैंगन लौकी गोभी देख कर मान जाओगी कि हम भी आदि काम के। अच्छा, पूजा के कमरे में रख दे खाली। रख देते हैं। एक दिन भाजी क्या ले आया, अपने आप को आदमी समझने लगा, काम थाम कुछ होता नहीं, कद्दू करे। क्या हुआ भाभी? मच्छी मर गई। सब अपवित्र कर दिया। बैंगन को भुर्ता बनते तो सुना था, मुर्गी बनते पहली बार देख रहा हूँ। हाय हाय हाय, किस जन्म का बदला ले रहा है तू मुझसे अमर? अभी अभी तो पूजा की थी, स्नान किया था, हाय हाय, सब अपवित्र कर दिया, ब्रश कर दिया मुझे, एक काम करने को कहा था, सत्यानाश कर दिया पूरे दिन का, अब कौन सफाई करेगा मेरी रसोई की? अरे खड़े खड़े मुंह क्या देखता है, उठा के फेंक किसको बाहर। हिंदू, लेकिन ये तो उसका थैला है। लौकी, बैंगन, मगर मैंने तो मुर्गी और मछली खरीदी थी, ये बैंगन और लौकी कहाँ से आ गए? लगता है बैग बदल गया, जरूर वही होगा। अरे रुको, कमिंग।
भाभी से पिटते पिटते बचाऊं और भागते भागते आया हूं। आप तो पिटते पिटते बच गए मगर मैं तो शायद पिटी जाती। ये लीजिए आपका बैग और मुझे दीजिए मेरा। क्या कहा जी? चाय? इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत है जी? मैंने चाय? अब अगर आप इतना फोर्स कर ही नहीं है तो चलिए, लेकिन एक शर्त पर पीऊंगा, अगर आप मेरा साथ देंगी तो। आपका साथ? चाय पर? चाय ऑफ कोर्स, चाय चाय पर जी। थैंक यू सीमा। सीमा आपने मेरा नाम कैसे जान लिया? आपकी इस नोटबुक से। वैसे आपका नाम बहुत खूबसूरत है। जाहिर है अब आप अपना नाम बताने का कष्ट करेंगे। मेरे नाम में कोई खास बात नहीं है, लेकिन आप कहती हैं तो बता देता हूँ, अमर। बुरा नहीं है। नाम तो है अमर, लेकिन रोज कई बार मरना पड़ता है। वैसे आप करते क्या हैं बातें बनाने के अलावा? कुछ करने की कोशिश में हूँ। अभी तो वकालत का इम्तिहान दिया है, कल ही आखिरी पेपर था। आप अच्छे लगेंगे काले कोट में। माय लॉर्ड, योर ऑनर। अभी तो सिर्फ इम्तिहान दिया है मैम साहब, नतीजा निकलने तक कई और इम्तिहान देने होंगे, नौकरी ढूंढनी होगी। आपकी किताब से लगता है कि जी हाँ पढ़ रही हूँ। बोर्डिंग में थी, अब केटरिंग का कोर्स कर रही हूँ, पास में ही कॉलेज है। इसलिए वो मुर्गी मछली। जी जी। और अगर आप बैग ना लाते तो क्लास में बैंगन के साथ मेरा भरता बन गया होता। यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती जाऊं। मेरी मौसी, मौसी अमर है। कल नाइट इन्होंने फ्यूज, आज बैग बदल गया था। सीमा जी, जी अगर हमारे बैग नहीं बदलते तो मैं मौसी से कैसे मिल पाता? नमस्ते मौसी जी। नमस्ते। अच्छा तो मैं चलता हूँ। वैसे चाय बुरी नहीं थी। बैठ सकते हैं? थैंक यू। मर गया, थैला फिर बदल गया। और आज का टेस्ट भी है। आज हम सीखेंगे फिश कटलेट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो सब अपनी अपनी मछलियां निकालिए। हाँ तो लड़कियों, मैं कह रही थी ये क्या है? बैंगनी मच्छी। अरे सीमा फिर गड़बड़ हो गई। मेरे बैंगन तुम्हारे हाथ में और तुम्हारी मुर्गी मछली मेरे मेरे बैग में है। चाय
बहाना कोई सोचिए अब के हम किस बहाने मिले सोचिए अब के हम किस बहाने मिले We'll be right back.
वेलकम होम सर। क्या हम लैंड कर गए? कब के सर? ओ Gentlemen, we proudly present the three finalists of this year's Palmolive Feminine Miss India Contest. The second runner-up is Neha Kapoor. And the first runner-up is Kavita Singh. And now to crown this year's Feminine Miss India winner, please welcome the media tycoon, Mr. Rajiv Sinha. And now, the winner of Femina Miss India is Leena Nair. Congratulations. Thank you. Okay. That's a crown, and you deserve it. Thanks. You're looking gorgeous. Thank you. Aaj raat ka dinner mere se. अरे काजल चाय लाओ ना प्लीज। चाचा चाय। अरे कोई चाय वाय नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूँ। वो चंपा के साथ ऑफिस जाना है, कल मेरी पैंट अब कहीं निकल गया तो I must go। अरे उसकी गाड़ी को स्टार्ट होने में आधा घंटा लगता है। अरे चंपक भाई, चंपक भाई, ये आपका बॉस है? हाँ यही है, लेकिन आजकल मेरा बॉस पतंग बना हुआ है। वो जमीन पर उतरे तो तेरी नौकरी की बात करूँगा भाई। अरे मेरी नौकरी पक्की। हाँ? तेरी नौकरी पक्की? लेकिन तेरी नौकरी पक्की होने से मेरी नौकरी तो नहीं जाएगी ना भाई। क्या पता, अरे स्टार्ट हो गई गाड़ी। अच्छा अच्छा है? इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे हमारा ऑफिस। वाह साहब क्या बात है। कौन सी नगरी है ये? माया नगरी। माया नगरी। अच्छा एक बात बताओ, जो आदमी यहाँ आता होगा बाहर जाने का रास्ता तो भूल ही जाता होगा। वो यहाँ से बाहर जाना नहीं चाहता। आइए जनाब, आइए आइए। गुड मॉर्निंग चंपा। गुड मॉर्निंग केवी। वो देखो, अरे अभी तो ऑफिस देखा है, लड़कियां देखोगे तो पागल हो जाओगे, एक से एक। इधर बॉस का ऑफिस है, और अगर उस तरह चलोगे तो अरे अंदर का जा रहा यार। अरे वाह क्या बात है यार। अमर ये हुआ ना यार। अमर मेरे पास तो नहीं है, मेरा केबिन नहीं है। क्या कर रहा तू? अरे कुर्सी भी मेरी नहीं है। अगर कहीं बॉस आ गया तो तेरी नौकरी तो दूर, मेरी नौकरी भी जाती रहेगी। प्लीज उठ जा यार, अब उठता कि नहीं। ये क्या हो रहा चंपक, ये क्या तमाशा लगा रखा है? कौन है आदमी? सर सर ये मेरा फ्रेंड है, दोस्त। हेलो राजीव, हाय। कौन हो तुम और ये मेरी कुर्सी पर कैसे बैठ गया? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? राजीव तूने मुझे पहचाना नहीं यार? मैं तेरा स्कूल फ्रेंड अमर, अमर सक्सेना, फोर्थ रो। कौन सक्सेना? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। और ये यार बार नहीं चलता इस ऑफिस में, इसे तुम लाए हो चंपक। सर इसमें चंपक का कोई कसूर नहीं है, मैं यहां खुद आया हूं। पैसा पाने के बाद आदमी इतना बदल जाता है, सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। सॉरी चंपक, खामा कर तूने मुसीबत में डाला। सॉरी यार। सारी बातें याद हैं, लेकिन मेरी मजाक करने की आदत भूल गया साला। वाह क्या सीन है। इतने साल कहाँ रहा, गायब ही हो गया? बस जिंदगी को करीब से देख रहा था, लॉ का एग्जाम दिया है, नतीजे के इंतजार में हूं। और तब तक एक आध नौकरी मिल जाए राइट? तुम्हें कैसे मालूम?
लिफाफा देखकर मजमून पढ़ लेते मिया। अच्छा? ऐसे क्या देख रहा है? देख रहा हूं तुम मॉडल कैसे लगोगे? मैं और मॉडल? ये और मॉडल? तुम और मॉडल? क्यों, मैं मॉडल नहीं बन सकता? एक मिनट, अभी दिखाता हूँ। ये देख। हंसती क्या है? मॉडल सूरत देखी अपनी? ये सूरत की बात मत करना, इसी सूरत ने चमत्कार दिखाया, मेरी पर्सनालिटी ने उसे फ्लोर कर दिया था। फ्लोर वर्क कुछ नहीं किया था, वो आपका दोस्त है ना, दोस्ती का हक अदा कर रहा होगा। हक अदा कर रहा होगा? क्यों, तुम खुद भी तो फ्लोर हो गई थी मुझे देख के। उस वक्त की बात कुछ और थी। क्या मतलब? याद करो, सोचो कैसे थे तुम, कैसे मिले थे हम। कैसे? सोचो सोचो सोचो। शर्माए शर्माए तुम भी तो थे, डरे डरे घबराए, जो कहना था वो कह ना पाए। सुनो ना सुनो ना सुनो ना, कहो ना कहो ना कहो ना, ये कहना था बाहों में आओ, ना अब झूठी बातें बनाओ।
चुप थे न कह पाए तुम बात अपनी, न कह पाए तुम बात अपनी। सुनो ना सुनो ना कहो ना कहो ना कहो ना, तुम्हें हमसे है प्यार कितना, समंदर में पानी है जितना। पहले दिन जो मिलने तुम थे आए, तुम थे कितने शर्माए शर्माए, अरे तुम भी तो थे डरे डरे घबराए, जो कहना था वो कह ना पाए। सुनो ना सुनो ना सुनो ना कहो ना कहो ना कहो ना, ये कहना था बाहों में Definitely, you're doing your job very well, and I must congratulate you for that. Thank you. Of course, I mean it. It's your letter. मेरी मदद करेंगे? कहिए। मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं अपनी दोस्त के लिए। दोस्त तो नहीं कह सकता क्योंकि अभी तो उसे देखा ही है। सेल्स गर्ल एक्सपर्ट होती है। मगर उनके पास नजर नहीं होती। आपकी जरा सी मदद से मेरी जिंदगी बन सकती है। आप तो मुझ पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। मैं तो यूं ही टाइम पास करने आई थी। यकीन मानिए आप टाइम पास करने नहीं आई। वक्त ने सोच समझ कर इस वक्त यहाँ मेरी तकदीर बनाने के लिए भेजा है। लगता है मुझे आपका काम जल्दी कर देना चाहिए। आपकी बातें मुझे कुछ उलझन में डाल रही हैं। लेकिन आपने साइज तो बताया ही नहीं। बस अपने आप को देख लीजिए। मैं हूबहू आप ही की तस्वीर। वैसे मुझे ये ड्रेस पसंद आई थी लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। पसंद आनी चाहिए, फिर कीमत कौन देखता है। लगता है आपके पास बहुत पैसा है। सिर्फ पैसा है और कुछ नहीं। और आदमी को चाहिए भी क्या, पैसे से वो सब खरीद सकता है। वही तो कर रहा हूं। थैंक्स। क्या जबान बोलता है ये आदमी। एक्सक्यूज मी मैडम, ये आपका ड्रेस। कौन सी ड्रेस? मगर मैंने तो ये ड्रेस नहीं खरीदी। वो साहब ने खरीदा है आपके लिए। थैंक यू। यू वेलकम। Excuse me. Okay, okay. I'll see you. So you tea. अरे कहाँ चले गए थे आप? मैं आप ही को ढूंढ रही थी। मैं घबरा गया था कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। इतना अच्छा तोहफा पाकर तो कोई भी लड़की पिघल सकती है। तोहफा पसंद आया? तोहफा देने वाला पसंद नहीं आया? ने क्या कहा? वो आ रहे हैं ना? जी हाँ, वो थोड़ी देर में आ रहे हैं। ओके ओके। हेलो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गलती से ये ऑफिस मेरा है। और वो ड्रेस मेरे लिए क्यों खरीदा? आपको देखकर जरूरत तो की थी, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आई एम सॉरी। सीमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं भूल गई। भूल गई? तुम बताओ मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? क्या बोल रही हो तुम?
आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? पहचानते भी हैं। सीमा, ये मेरे बचपन का दोस्त राजीव है, राजीव सिन्हा। ओह, आपने सॉरी कह दिया, इसलिए आपका ऑफिस अच्छा लगा। Thanks. आप भी एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, अभी अभी मुलाकात हुई। ये मुलाकात किसी कयामत से कम नहीं, और इस मुलाकात को यादगार बना देते हैं। चलिए। कहाँ? भाई वीकेंड है, देखें तो सही कि दुनिया कितनी छोटी है। कमल, लेट्स गो। क्या? अभी? हाँ, अभी इसी वक्त। अच्छा राजीव, ये तो बताओ, हम जा कहाँ रहे? इंसान की बनाई हुई नई दुनिया, सन सिटी। सन सिटी? ये कहाँ है? विदेश, साउथ अफ्रीका। कहते हैं कि इतनी खूबसूरत जगह है कि एक बार इसे भगवान भी देखने आए थे। अमर, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? जरा मुझे चिमटी काटो ना। क्या बोलती हो? अरे काटो ना। यह आपका कमरा? हाँ, मेरा कमरा। भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? आपका कमरा ऊपर है। वावी! हेलो ऑपरेटर, यस, कैन यू गिव मी अमर सक्सेना'स रूम प्लीज? श्योर मैम। अमेजिंग। हेलो अमर, क्या तुम्हारा कमरा भी इतना ही बड़ा है जितना मेरा? हाँ सीमा, मेरा कमरा भी ह्यूज, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। लेकिन तुम हो कहाँ? कहाँ है तुम्हारा कमरा? इधर इधर, बिल्कुल तुम्हारे पीछे, ऊपर। पटो पटो। हाँ, ये हाय हाय हाय। ओ अच्छा सुनो, राजीव ने कहा है कि तैयार होकर नीचे रेस्टोरेंट में आ जाने के लिए। तैयार होके? लेकिन मेरे पास कपड़े कहाँ? गुड इवनिंग। Cheers. Cheers. Dance with you.
क्या हुआ? क्यों हंस रही है? Wait. Excuse me. Can I have your camera, please? Yeah, sure. Thanks. अरे पोज करो. पिलर पे हाथ, कमर पे हाथ. हाँ, ओके. थोड़ा इधर. हाँ, ओके. ओके, स्माइल. क्या हुआ? अरे राजीव, आजा आजा. हम दोनों के साथ मिलो. स्माइल. जो गहरा नशा है
पता जिससे प्यार हुआ है। प्यार राहों का साथी, प्यार मंजिल का तारा, प्यार की प्यारी खुशियाँ, प्यार का गम भी प्यारा। प्यार राहों का साथी, प्यार मंजिल का तारा, प्यार की प्यारी खुशियाँ, प्यार का गम भी प्यारा। This is a small gift for you. कबूल करोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन राजीव, इतना महंगा तोहफा? तोहफा देने वाला कीमत नहीं देखता सीमा, किसको दे रहा है ये देखता है। और ये रकम तुमने मुझे खुद रेस में जीत कर दी है। इस पर तुम्हारा नाम लिखा है, ले लो वरना मुझे बुरा लगेगा। थैंक यू। हवा की खुशबू बता रही है कि लौंडिया पट गई। अरे चाचा, आप इतने दिन कहाँ थे? जाए कब चाय पिला दे मुझे। अरे चाय के साथ में गरम गरम पकौड़े भी खिला सकती हूँ, क्योंकि आज घर में मेरा राज है। चाय मेज पे रख दे। मैं तुम्हें अपने हाथों से पिलाना चाहती हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? वहां ऐसे क्यों छोड़ा है? ताकि मैं तुम्हारे पीछे यहां चली आऊं? एक तरह से अच्छा कि तुम यहां चली आई। खुद अपनी आंखों से देख लो मेरी जिंदगी को। ये कमरा, ये पलंग, ये टूटी हुई कुर्सी,
वो हिलता हुआ टेबल लैंप, ये छत जो मेरे सर के ऊपर है, जो रोज एक एक इंच नीचे आ जाती है। तुम मुझे डरा रहे हो, धमका रहे हो या समझा रहे हो? आजकल तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल बात यह है कि मैं डर गया हूं। तुम्हारी आंखों में जो सपने मैंने देखे हैं, उन्हें पूरा करना मेरे बस की बात नहीं है सीमा। अरे किसी बच्चे को खिलौने दोगे तो वो क्या करेगा, खेलेगा ना। लेकिन जब समझ आ जाएगी कि वो खिलौने हैं, तो क्या सारी जिंदगी काट सकेगा उनके साथ? तुम इतनी ना समझ नहीं हो सीमा। सोच लो अभी भी वक्त है, मैं बहुत परेशान हूं। क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी को पलंग कुर्सी टेबल लैंप से जोड़ना शुरू कर दिया है। अमर कभी किनारा देखना हो ना, तो डूबते हुए आदमी की नजर से देखो। अमर तुम ही मेरा किनारा हो। मैं अंदर आ सकता हूँ? कोई खास बात है जो आप? हाँ, अपनी एक खास बात किसी खास इंसान से कहने आया हूं, और वो भी साफ साफ लफ्जों में। इससे पहले आज तक किसी ने इनकार नहीं किया, और मुझे यकीन है तुम भी नहीं करोगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूं। मैं समझा देता हूँ सीमा। ये कुछ दिन जो हमने साथ गुजारे हैं, ये मुलाकातें हमें करीब ले आई हैं। मैं इन मुलाकातों को मायने देना चाहता, नाम देना चाहता। यानी? यानी दिन तो हमने गुजारे हैं, कुछ रातें गुजारना चाहता हूं तुम्हारे साथ। अब मैं समझी, आप इन मुलाकातों को नाम नहीं दे रहे, बदनाम कर रहे हैं। दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, अपनी गरज से, अपने मतलब से करीब आए हैं। आपकी पार्टीज, आपकी ड्रेस रेसेस और ये नेकलेस, ये सब मुझे खरीदने के लिए बहलावे थे, और मैं आपको दोस्त समझ बैठी। सीमा, दोस्ती महज एक लफ्ज है जिसका कोई मतलब नहीं। तुम्हारी इस दुनिया में सिर्फ दो किस्म के लोग हैं, कुछ खरीदार हैं, बाकी सब बिकते हैं। अपनी दुनिया का ये मिस्टर राजीव सिन्हा, मेरी दुनिया के बारे में आप कुछ नहीं जानते, माफ कीजिएगा। मेरी दुनिया की एक रस्म है सीमा, दाना फेंकिए पंछी आ जाता है। आप ये भी नहीं जानते, दाना फेंकने से कबूतर आता है, कौवा आ सकता है, कोयल नहीं आती। कोयल अगर दाने पर नहीं आती तो जाल में आ जाएगी। बहुत घमंड, बहुत गुरूर है आपको। सुन लीजिए, मैं गरीब सही लेकिन बिकाऊ नहीं। आप खरीदार हैं लेकिन मैं कोई चीज नहीं जिसका आप सौदा करें। जाइए, अपनी इस गंदी भूमारती हुई दुनिया को यहां से उठा कर ले जाइए। गेट आउट। सीमा, मैंने कभी हार नहीं मानी, मैंने जहां निगाह रखी उसे पाया है, जहां हाथ रखा उसे खरीदा है। मैंने हर हाल हर कीमत पर औरत को हासिल किया, और तुम्हें भी एक दिन खरीद कर दिखा दूंगा, आज नहीं तो कल। Ha 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 ha.
छूट तो मैं तुम्हें भी कर सकता हूं, लेकिन जल्दी क्या है, पहले मैं तुम्हारे प्यार को तोड़ूंगा और तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम मेरे पास आए बिना नहीं रह पाओगी। साहब जी, इस खाली फ्रेम के लिए तस्वीर आ गई है। इस फ्रेम में तस्वीर आ चुकी है। हैं? लेकिन साहब जी, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। बेवकूफ हो तुम, देखने के लिए नजर भी तो होनी चाहिए ना श्यामलाल रामलाल। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ, जब ठीक ही कह रहा हूं तो तुम खड़े क्यों? अब साहब जी, जो तस्वीर बाहर खड़ी है उसे जाकर क्या कहूं? कह दो आई एम सॉरी, घर चली जाए। लगता है मौसम बहुत खराब है, बोल देता हूं। क्या तबीयत बहुत खराब है? अरे खाक तबीयत खराब है, इन रईस आदमियों का दिल पत्थर का होता है। अजी लोगों पर क्या गुजरती है, परवाह ही नहीं करते। अब यही देखिए ना, आपको यहां बुलाया और बात करने की फुर्सत नहीं। अरे कम से कम बात तो कर लेते। हाँ? कोई बात नहीं, चलिए। हाँ यही तो मैं कह रहा था, आइए आइए। कितनी बुरी बात है, आप क्या सोचकर आई होंगी, आपके प्रोग्राम का तो सत्यानाश कर दिया। लेकिन आप क्यों फिक्र करती हैं, मैं साहब जी का खासम खास आदमी हूं और उनके खास खास काम मैं ही करता हूं, और वैसे भी जो काम वो नहीं कर पाते वो मुझे सौंप देते हैं करने के लिए। क्या बकते हो? सच बक रहा हूं। चल मेरे साथ, साहब जी की नौकरी हो जाएगी, तेरा काम भी बन जाएगा और श्यामलाल की शाम हर शाम की तरह रंगीन हो जाएगी। चल। तूने मुझे समझ क्या रखा है हरामखोर? अरे तू अपने आप को क्या समझ रही है, उसकी घरवाली है? वो कौन सा सोने का बना हुआ है, वो भी तो मेरी तरह हड्डी और मांस का ही बना हुआ है। कुत्ते, हड्डियां चबाने की आदत नहीं गई। ये छूट तुझे किसने दी, किसने दी तुझे ये छूट कि मेरे दोस्तों के साथ बदतमीजी करे? यू रास्कल, अपनी औकात देख, मेरे दोस्तों के साथ बदतमीजी करता है। यू फायर्ड, निकल जाओ यहां से, निकल जाओ, तुम्हारा मेरी नजरों के सामने आया तो जान से मार दूंगा। यू ओके बेबी? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूं। बहुत भारी पड़ेगा तुझे राजीव सेठ, सारी हड्डियां एक दिन तेरे ही दरवाजे पे आके थूक जाऊंगा। या राजीव, अमर एक दो दिन से मैं परेशान हूं। तुम भी परेशान हो सकते हो, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। क्यों, मैं इंसान नहीं हूं? क्यों, आज हुआ क्या? वेल जस्ट हैव अ लुक। अमर, देयर इज अ न्यू ब्रांड ऑफ विस्की, लाखों का कैंपेन है, जिसकी मॉडल मुझे कुछ जच नहीं रही। तुम्हारा क्या ख्याल है, सीमा को इस प्रोडक्ट का मॉडल बना दें? मेरे ख्याल से वो नहीं मानेगी। ऐसे कह सकते हो? मैं उसे जानता हूं। कितना जानते हो? जितना जानता हूं उसी कह सकता हूं कि वो ऐसी लड़की नहीं है। ऐसी लड़की नहीं है यानी? क्या मतलब है तुम्हारा राजीव, मुझसे क्या कहलवाना चाह रहे हो? मैं तुम्हें साफ और सीधी सादी जबान में समझा रहा हूं कि सीमा ऐसी लड़की नहीं है। और मैं भी तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लड़की लड़की होती है, ऐसी वैसी नहीं होती है, सिर्फ लड़की होती है जो नाम चाहती है, शोहरत चाहती है, पैसा चाहती है। शी जस्ट वॉन्ट्स अ ब्लडी गुड लाइफ। जिसे तुम गुड लाइफ कहते हो, बहुत लोगों के लिए वो घटिया, गंदी और खोखली जिंदगी है।
और सीमा उनमें से एक है। और सीमा उनमें से एक है, यह तुम्हारा ख्याल है? यह ख्याल नहीं, यह हकीकत है। हकीकत देखना चाहते हो? देख सकोगे हकीकत? चलो मैं तुम्हें हकीकत दिखाता हूं। कम ऑन, लेट्स गो। ये पर्दा हटा और देख लो, तुम्हारी आंखों से पर्दा हट जाएगा। ये रत्नाबाई है, इस कोटे की मालकिन। और जानते हो रत्नाबाई कौन है? सीमा की मां। यहां हर चीज बिकती है अमर, इज्जत आबरू जिस्म की लचक, जुल्फ है उसकी महक, और तो और सीने की धड़कन भी बिकती है। अब बताओ अमर, सीमा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सीमा, सीमा, क्या हुआ अमर, क्या बात है? यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूं सीमा, आखिर बात क्या है? तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे? मैंने तुमसे झूठ बोला है अमर? अब भी अपनी जिंदगी को पर्दे में छुपा कर रखना चाहती हो? अमर, क्या देखकर आए हो, क्या सुनकर आए हो तुम? साफ साफ कहो, यू मेरी जान ना लो। कोठा देखकर आया हूं, रत्नाबाई को देखकर आया हूं। रत्नाबाई एक वैश्य है, नाचने वाली है, और वो तुम्हारी मां है। बताओ ये सच है कि नहीं? क्या तुम इनकार कर सकती हो कि तुम एक वेश्या की बेटी हो? ज्यादा झूठ नहीं है अमर, लेकिन ये सच भी नहीं है। मैं एक वेश्या की बेटी हूं, लेकिन रत्नाबाई मेरी मां नहीं है। अब भी झूठ बोल रही हो तुम? अब झूठ बोलकर मैं क्या करूंगी, क्या बचाऊंगी अमर? तुमने तो मुझे अंधे कुएं में धकेल दिया है सीमा। और मैं अंधे कुएं में पैदा हुई हूं अमर। पहली बार आसमान देखा है, पहली बार प्यार का लफ्ज सुना है, पहली बार प्यार को महसूस किया है। तुमने मेरे अंधेरे जीवन को रोशन कर दिया था, मुझे अपने ऊपर यकीन होने चला था, जिंदगी पर एतबार आने लगा था। लेकिन मेरा एतबार तो टूट गया ना। तुम आसमान की बात करती हो, मेरे पांव तले जमीन तक नहीं रही। अमर, मेरी मां नाचने वाली थी, मगर चाहती थी कि मैं उस माहौल से दूर रहूं। मरने से पहले अपनी बची कुची सारी दौलत, गहने जेवर रत्नाबाई के हवाले कर गई कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर इज्जत की जिंदगी जिए। रत्नाबाई ने यही किया, मुझे बोर्डिंग स्कूल में रखा, और अब मैं यहां इस किराए के मकान में रहती हूं। तुमसे मिलकर मैं एक सपना देखने लगी थी, लेकिन एक बदनसीब लड़की, एक कोठे वाली लड़की को अधिकार ही क्या है कि वो सपना देखे? वो तो अपना अतीत भुला देगी, लेकिन जमाना तो नहीं भुलाएगा ना, बार बार याद दिलाएगा कि तुम एक नाचने वाली की बेटी हो, इसलिए तुम भी एक नाचने वाली हो। तुम्हारा खून भी गंदा है। चले जाओ अमर, मुझे मेरे अतीत के साथ मर जाने दो। चले जाओ अमर, चले जाओ।
जाओ, सब कुछ तो जान ही लिया है, अब यहां क्यों खड़े हो? जाने के लिए आया था, लेकिन अब सोचता हूं मर्द कितना तंग नजर होता है, हर बार औरत के बारे में फैसले सुनाता है। सीमा, मैंने तुमसे प्यार किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारी इज्जत भी करता हूं। पांच लाख कभी देखे नहीं होंगे। पांच लाख रुपए, इतनी दौलत एक साथ, मेरे तो हाथ पांव कांप रहे हैं। बेहोश होने से पहले मुझे देख लो, पहचान लो, मैं राजीव सिन्हा हूं। इस दुनिया में मेरे जैसा खरीदार कोई नहीं है। मैं जिसे चाहता हूं उसे पाता हूं, कीमत की परवाह नहीं करता। वो तो मैं आपको देखकर ही समझ गई साहब। फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं? तुम सीमा की सरपरस्त हो, मुझे सीमा एक रात के लिए चाहिए, और ये पांच लाख तुम्हारे। अजी, सीमा में कौन से लाल जड़े हैं? आप किसी और लड़की की बात कीजिए। मैं सीमा की बात कर रहा हूं। सीमा मेरी सहेली की अमानत है। अमानत में खयानत करना तुम्हारा पेशा है, शायद तुम्हें कीमत कम लग रही है। समझते हो अपने आप को? कौन हो तुम जो रुपया देकर लड़की खरीदते हो? Can you leave me alone, please? इसमें कौन सी नई बात है अमर? ये तो चलन है, पुराना दस्तूर है। कोठे सजे हैं, माल कौड़ियों के भाव बिकता है। मैं तो एक जोरी हूं बाजार का, जो लाखों दे रहा हूं। बहुत घमंड है तुम्हें तुम्हारी दौलत पर। हाँ है, दौलत है तो घमंड है, गुरूर है। और तुम एक अनाड़ी हो इस बाजार में, तमाशबीन भी नहीं हो, सिर्फ गुजरते हुए मुसाफिर हो। निकल जाओ वरना मारे जाओगे इस मंडी में। छह, तुम्हारे लिए कोई रिश्ता नहीं, इंसानियत नहीं, दोस्ती नहीं, अच्छा ही नहीं। ये सब चीजें टके के भाव बिकती है इस बाजार में, रोज बोली लगती है, बस खरीदने वाला चाहिए इस कारोबार में। मैं तुम्हें समझा रहा हूं और बचा रहा हूं अमर। दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसके लिए आदमी अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे। है राजीव, है। सीमा एक ऐसी लड़की है जिसके लिए आदमी एक जिंदगी तो क्या 10 जिंदगियां कुर्बान कर दे। और अगर मैं तुम्हारी ये सीमा को हासिल करके दिखा दूं तो? तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। सीमा अब मेरी होने वाली पत्नी है। तो फिर ये मेरा चैलेंज अमर सक्सेना, सीमा एक दिन मेरी होकर रहेगी। यू ब्लडी रास्कल! तो
और ये है वो कोठेवाली की बेटी। मैं तो देखकर ही समझ गई हूँ, सुना है ये कोठेवाली की बेटी है। हाँ, मगर इसकी माँ की सजा ऐसे क्यों? तुम बेटी की बात करते हो, मैं कहती हूँ पुश्तों को सजा मिलती है। सुनो, तुम क्यों? तुम चुप रहो जी, तुम तो अपना बक्सा उठाकर ऑफिस चले जाते हो। इस मोहल्ले में तो मुझे रहना है, और फिर काजल भी तो है, अभी कॉलेज जाती है, कल इसका ब्याह करना है, कौन आएगा इसका हाथ मांगने? तुम ठीक कहती हो भाभी, मैं समझ गया। दुनिया से लड़ सकता हूँ लेकिन घर वालों से नहीं लड़ सकता। और फिर तुमने काजल का वास्ता दिया है, मैं ही घर छोड़कर चला जाता हूँ। चलो सिवा। चाचा। पगली घर छोड़ के जा रहा हूं, शहर छोड़कर नहीं जा रहा। ये मेरे दोस्त अरविंद का खाली पड़ा हुआ फ्लैट है। हाँ? कुछ दिनों की बात है, गुजारा कर लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ये तो मानते हो अमर कि हमने तुम पर मेहरबानी की है? एक मेहरबानी तो ये कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त से अलग कर दिया। वो इसी लायक था, दोस्ती के नाम पर दाग था वो। दूसरी ये कि तुम्हें तुम्हारे घर से निकाला। कुछ ही दिनों की तो बात है सीमा, और अब तुम्हें यहां इस उजाड़ टूटे हुए मकान में ले आए, है ना कमाल अपना? हे हे सीमा, सीमा नहीं, खिड़कियों दरवाजों दीवारों का नाम घर नहीं, घर बनता है इंसानों से। सीमा, अरे पगली, दिलों में प्यार हो तो इंसान पेड़ के नीचे भी जिंदगी गुजार लेता है, हिम्मत नहीं हारते। हम भी ऐसा ही घर बनाएंगे, अपना घर।
बहके एक ख्वाब का जादू। पब्लिक प्रोसिक्यूटर राजेश पुलिस ऑफिस। जी हाँ, होल्ड कीजिए, वो आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अमर सर। वो जरा मेरे कैबिन में आओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मिस्टर गावा का फोन है आपके, उसको बोलो बाद में फोन करे। प्लीज बाद में फोन कीजिए सर। सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, वो मैं ब्रीफ तैयार कर रहा था इसलिए मैं आपसे। इसीलिए मैं तुम्हें अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाना चाहता हूँ। जी मैं पर्सनल असिस्टेंट? हाँ अमर, जिस मेहनत लगन और सिंसेरिटी के साथ तुम काम कर रहे हो मेरे असिस्टेंट, तो क्या मुझे यकीन है कि एक दिन तुम इस कुर्सी पर बैठोगे। आप मेरा हौसला बढ़ा रहे सर, वैसे भी मैं आपका एहसानमंद हूँ। ये सर 5,000 रुपये। रिश्वत दे रहे हो? सर मेरी मजाले सर, जो कर्ज आपसे लिया था वो लौटा रहा हूँ। अरे इतनी जल्दी क्या थी? लौटा सकता हूँ इसलिए लौटा रहा हूँ। वैसे मेरी वाइफ भी काम करने लगी है। हाँ सीमा। जी हाँ। वेरी गुड, कहाँ काम करती है? भोजवानी रियल एस्टेट एजेंसी में। हेलो, मैं एस्टेट एजेंट भोजवानी बोल रहा हूँ बाबा। हाँ जी। अरे साईं दुकान तो देख लियो, मेरे ब्यूटी स्पॉट की कसम ऐसे मौके की दुकान है कहीं नहीं मिलेगी। हाँ क्या है, आप उधर से सीधा दुकान पर पहुंचो, इधर से मेरा आदमी रमेश है नहीं चाबी लेकर दुकान पर पहुंचता है। रमेश इधर आओ, तसल्ली तो कर लियो बाबा। हाँ देखो ये चाबी लेकर दुकान पर जाओ, वहां पे मित्तल नाम का आदमी आएगा, उसे दुकान दिखाओ और सीधा इधर वापस आओ। अच्छा जी। हाँ देखो रास्ते में पकौड़ा खाने के लिए नहीं खड़ा रहने का। ब्यूटी स्पॉट की कसम क्या गाड़ी है। अरे साईं
बड़ी साईं आप खुद आ गए, हमारा सौभाग्य है। शौक भी कमाल की चीज होती है भजवानी, कहाँ कहाँ ले आती आदमी को। बंगला भी आपके लायक है साईं, मेरे ब्यूटी स्पॉट की कसम, दड्डो सुठो बंगलो आए, ड्रीम हाउस आए। ये तो बंगला देखकर ही कह सकते। सोला ने सच बात है साईं, अभी बताते हैं। सीमा, ये मिस्टर सिन्हा अपोलो एडवर्टाइजिंग के मालिक है, शहर के बहुत बड़े आदमी है। वो रमेश इधर है नहीं, तुम जाके इनको बंगला दिखा दो। माफ कीजिए भुजवानी साहब, मैं इनको बंगला दिखाने नहीं जाऊंगी। क्या कह रही हो लड़की? आपने अगर सुना नहीं तो मैं दोबारा कह देती हूँ, मैं अपोलो एडवर्टाइजिंग के मालिक मिस्टर राजीव सिन्हा को बंगला दिखाने नहीं जाऊंगी। वरी तुम कैसे नहीं जाओगी, तुम इस कंपनी की नौकर हो, मेरे ब्यूटी स्पॉट की कसम तुमको दिखाना पड़ेगा। ये क्या बात हुई, मेरी बेइज्जती कर रही हो, वो भी इतने बड़े आदमी के सामने, जानती हो नतीजा? आप नौकरी से निकाल देंगे ना? मैं खुद नौकरी छोड़कर जा रही हूँ, आप बड़े आदमी, दूसरे ये बड़े आदमी, दोनों जाकर बंगला देख लीजिए। दिमाग चल गया है इसका, इतनी सी बात के लिए नौकरी छोड़कर चली गई। अरे मेरी तो रोज बेइज्जती होती है, लेकिन आपके बारे में ऐसा कैसा बोल के चली गई, पागल है पागल। सीमा जी, सीमा जल्दी करो, नहीं तो बस निकल जाएगी, फिर ऑटो में जाना पड़ेगा। अरे ये क्या, तुम तैयार नहीं ऑफिस में जाना? नहीं नहीं, छुट्टी है या तबीयत खराब है? नहीं, मतलब कभी नहीं जाना, मैंने नौकरी छोड़ दी। छोड़ दी क्यों? बस छोड़ दी। अच्छा किया, मैं तुमसे कहने ही वाला था कि अब तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है, अब मैं इतना कमा लेता हूँ कि तुम्हें खिला सकूँ। हाँ। वैसे सीमा एक बात बताओ, मेरा भी आज काम पर जाने का मन नहीं है। तो फिर क्या करने का मन हो रहा है बताओ? हाँ बताओ। अरे, अरे, नहीं, अब तुम्हारी बस निकल नहीं जाएगी क्या? फाइल तो दे दे। ये पकड़ो अपनी फाइल और जाओ। अरे जाओ, बाहर फेंक रही है। अब क्या है? क्या है, तुमने किसका करने दिया, मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? अरे हाँ, अच्छा अच्छा चलो। ए, तुमने दूसरी बार किस क्यों किया? एक तो रोज जाने का। हाँ? और दूसरा तुम्हारे जन्मदिन का। मैंने सोचा तुम भूल गए होगे। अरे तुम्हारा जन्मदिन कैसे भूल सकता हूँ, हैप्पी बर्थडे। आप जाओ। नहीं 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 नहीं, तुम जाओ, उधर 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 मुंह करो, बाय बाय। अब मैं इन्हें बीवी बनकर दिखाती हूँ। तुम? मैडम ये फूल। हाँ, माफ करना, थैंक यू। मैडम ये आपके लिए। थैंक यू। बाप रे, क्या काम कर रहे होंगे, फूल पे फूल भेजे जा रहे हैं। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग, मैं नहीं जानता कि तुम या ये फूल कौन है ज्यादा ब्यूटीफुल। मैं जानती हूँ, तुम हो डैम फूल, पूरा गार्डन भेजकर अब एक फूल लेकर आए हो। अंदर आओ। अरे इतने सारे फूल कहाँ से आ गए? यही तो मैं भी कह रही हूँ, बल्कि पूछ रही हूँ ये सब क्या पागलपन है। पागलपन? किसका पागलपन, कैसा पागलपन? प्यार का एक ही फूल काफी होता है, फिर यूं पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? कैसी बात कर रही हो सीमा, पैसे बर्बाद करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और फिर इतने सारे फूल खरीदने के लिए, बस मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? तो ये फूल तुमने नहीं भेजे? नहीं। तो फिर किसने भेजे हैं? समझ गया, और कौन हो सकता है, एक ही है जो हमारी जिंदगी में जहर घोल रहा है। उसे कहीं से पता चल गया होगा कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, अपनी कमीन की पे उतर आया वो। थैंक तो हमारा,
एक एक को फेंक दो। इनकी जगह ये घर नहीं, बाहर गली है, गंदी नाली है, सब उठाकर फेंक दो, बाहर फेंक दो। अमर एक भी नहीं चाहिए हमें।
वॉचमैन, ये सब क्या है? साहब, शिमा मैम साहब के लिए गाड़ी छोड़ के गया और ये चिट्ठी भी। सुबह तुम्हें बस स्टॉप पर बस का इंतजार करते देखा तो मुझसे देखा नहीं गया, क्योंकि इंतजार कितना दुखदाई होता है वो मैं जानता। इसलिए गाड़ी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है, राजीव सिन्हा। क्या समझता है तू? इन खिलौनों से, अपनी जलील हरकतों से तू हमारा प्यार तबाह कर देगा। अब देख अपने सामने अपनी बेशर्मी का तमाशा, मैं तेरे इस घमंड को कैसे तोड़ता हूं। अब अगर हमारे घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तेरा भी यही हाल करूंगा, याद रखना। आप इनकी पत्नी हैं? हाँ। बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है इनका, सर पर चोट लगी है। केस कितना सीरियस है ये तो ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद ही मालूम पड़ेगा। हाँ। सिस्टर, यस, लेकर चलो। ओके डॉक्टर, हरी अप। चोट का असर दिमाग पर बहुत गहरा पहुंचा है, किसी बड़े न्यूरोसर्जन से इनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। खर्चा 5 लाख रुपए का होगा। आप इतनी बड़ी रकम अरेंज कर पाएंगे?
दो चार हजार की बात होती तो मैं कोशिश करता, लेकिन इतना पैसा तो हम अपना ये घर बेचकर भी नहीं जुटा सकते। उनकी उनकी जिंदगी खतरे में है भाई साहब। उसकी जिंदगी खतरे में डालने वाला है कौन बताओ तो? न तुम उससे शादी करती न उसका ये हाल होता। भाभी भाभी ये वक्त बातों का नहीं है, आप कुछ कीजिए वरना हम। अरे हमारे सर पर भी जान जवान बेटी खड़ी है, सारी जिंदगी जोर जोर कर हमें इसका ब्याह करना है, तुम्हें भी देखकर बात करनी चाहिए। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मेरे पास राजा तान तंबूरे के सिवा कुछ नहीं है, सोना तो तेरे पास है मौसी। और नहीं तो क्या, अंग अंग भरा हुआ है, एक एक अदा की कीमत वसूल कर सकती हो, पर तुम पर तो इश्क का बहुत सवार है। राजू सेठ की बात मान ली होती तो मेरे भी वारे न्यारे हो जाते और तुम्हारी भी अच्छी कटती, पर तुम्हें समझाएगा कौन? हेलो नीना, कहो कैसी हो? राजीव तुमसे एक जरूरी बात करनी है। या रामलाल श्यामलाल के पास हम दोनों की कुछ तस्वीरें हैं और वो हमें ब्लैकमेल करना चाहता है। ठीक है तुम घर पहुंचो, मैं अभी। तुम और यहां मेरे ऑफिस में आज जिंदगी क्या रंग दिखा रही है? मैं अपने आप को बेचने आई हूं, मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है। तुमने मौसी को एक रात के लिए 5 लाख रुपए दिए थे, मैं हाजिर हूं, अपनी मुराद पूरी कर लो। तुम जीत गए और मैं हार गई, लेकिन अचानक तुमने अपना इरादा कैसे बदल दिया? अमर का एक्सीडेंट हुआ है, वो अस्पताल में है, डॉक्टर्स ने कहा है उनके उनके दिमाग का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो बच नहीं पाएंगे, मुझे उन्हें किसी भी कीमत पर बचाना है, मेरे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं अपनी इज्जत का सौदा करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद क्या होगा जब अमर को तुम्हारे सौदे के बारे में पता चलेगा? इसके बारे में सोचा है तुमने? अब सोचना मेरे बस की बात नहीं रही, मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि वो किसी तरह बच जाए, फिर एक लाश सोच भी क्या सकती है? एक पत्नी अपनी इज्जत का सौदा करे, उसकी तो मौत ही है ना। इतना प्यार करती है अमर से? कह नहीं पाऊंगी कितना, मेरी हर सांस उनके लिए है, हर धड़कन उनका नाम लेती है, ये कहकर भी मैं कुछ नहीं कह पाई कि मैं उन्हें कितना चाहती हूं। यानी कि मुमकिन है, ऐसा हो सकता है कि एक आदमी के लिए कोई कुर्बान हो जाए, अपनी जान दे दे, इज्जत का सौदा करे? मोहब्बत ही किसी पर मर मिटने का नाम है, जिंदगी देकर जीने का नाम, सब कुछ खोकर पाने का नाम। ये जान उनके काम आ जाए, वो अच्छे हो जाए, बस यही तमन्ना है मेरी। आप अपनी मुराद पूरी कर लीजिए। ये लो 5 लाख रुपए। जाओ अपनी पति की जान बचा लो। जी। तुमने कहा था ना कि तुम हार गई हो, पर मैं जीत गया हूं। दरअसल मैं हार गया और तुम जीत गई हो। जाओ देर ना करो। ए रुको रुको,
आप कहीं नहीं जा सकते, इस इलाके में कर्फ्यू लगा है, दंगा भी शुरू हो गया, अंदर जाइए। लेकिन मुझे अस्पताल जाना है, मेरे पति बहुत सीरियस है, उनका एक्सीडेंट हुआ है, देखिए उनकी जान खतरे में, मुझे किसी भी तरह जाना है। कर्फ्यू का मतलब समझती हैं आप? आगे बढ़ोगे तो पुलिस की गोली का निशाना बन जाओगे, जाइए अंदर। देखिए मैं मजबूर हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए, आप मेरी मदद कर दीजिए। देख क्या रही है, चलिए अंदर जाइए। बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है राजीव, गोलियां चल रही हैं, वो लोग मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, अमर अकेले, कहीं कहीं वो, अब मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? अपने आप को संभालो सीमा, हिम्मत ना हारो। हॉस्पिटल का नाम क्या है? दयानंद हॉस्पिटल। दयानंद हॉस्पिटल, शायद मैं उसके डीन को जानता हूँ, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। राजीव बहुत देर कर दी। तुम क्या हो? धोखा खा गई ना रामलाल श्यामलाल को देखकर? हाँ, अगर सारा चमत्कार कपड़ों का ही है तो मैंने सोचा ये भी करके देख लूं। कपड़े पहनकर तो सारे मर्द एक जैसे लगते हैं, और ये तुम अच्छी तरह जानती हो, है ना? तुम यहां क्या करने आए हो? टेलीफोन पर की हुई अधूरी बात पूरी करने आया हूं। मेरे नजदीक मत आना, मैं चिल्लाऊंगी। घर पर तो कोई नहीं है, चिल्ला जी, ऑपरेशन चल रहा है, बट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, हौसला रखिए। रातें मैंने तुम्हारे सराहने गुजारी है कि कब तुम आंखें खोलोगे, कब तुम मुझसे बातें करोगे। तुम नहीं जानते अमर मुझ पर क्या गुजरी है। ये ठीक कह रही है मिस्टर अमर, इन्होंने दिन देखा ना रात, इनके लिए सुबह हुई ना शाम, हर वक्त तुम्हारी फिक्र करती रहती थी। आप बहुत खुश नसीब हैं जो आपको इन जैसी पत्नी मिली है, मौत के मुंह से निकाल कर लाई है आपको,
अगर ये मौके पर 5 लाख का इंतजाम ना करती तो आपका बचना बिल्कुल नामुमकिन था। भगवान ने मेरी सुन ली, ये अच्छे हो गए हैं और मुझे क्या चाहिए? जी हाँ, मिस्टर अमर अच्छे हो गए हैं, 2 दिन बाद घर जा सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सीमा, हम इतनी बड़ी रकम तुम कहां से लाई? अमर, मैंने तुम्हें पा लिया है बस। कहां से लाई हूं, कैसे लाई हूं, ये जरूरी नहीं है। लेकिन सीमा, 5 लाख रुपए, इतने सारे पैसे कौन दे सकता है तुम्हें? मौसी ने यहां वहां से इंतजाम करके दिए हैं। मौसी ने? हाँ। आओ अमर, आओ। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बिल्कुल अच्छा हो सर। गुड। देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग केस हाथ आया है, इस फाइल को पढ़ लो, अपने नोट्स तैयार कर लो, फिर बात करेंगे। किसका केस है सर? मीडिया टाइकून राजीव सिन्हा पर मर्डर चार्ज। उसने एक औरत का खून किया है, सब डिटेल्स इस फाइल में है, देख लो। राजीव सिन्हा ने किसी लड़की का खून किया, 6 जून। 6 जून की रात को? ये कैसे हो सकता है? हाँ सीमा, ऐसा ही हुआ है। अब ये केस हमारे हाथ में है, अब राजीव सिन्हा को फांसी लगाकर ही रहूंगा। जिंदगी में पहली बार केस लड़ते हुए खुशी महसूस हो रही है सीमा। कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, उसकी लाठी खामोशी से बरसती है। उस शैतान ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, कितना सताया था हमें, परेशान कर दिया था, जीना मुश्किल कर दिया था हमारा उस हराम खोर ने। लेकिन अब मैं एक एक बात का बदला लूंगा उससे, एक एक बात का बदला लूंगा सीमा। अरे हाँ, मालूम है उसका अपना ड्राइवर उसके खिलाफ गवाही दे रहा। ड्राइवर रामलाल श्यामलाल, 6 जून की रात को जो घटना हुई जरा कोर्ट को बताइए। जी हाँ, 6 जून को रात के कुछ 10 बजे होंगे, जब मैं अपने घर जा रहा था, इतने में मैंने देखा राजीव साहब अपनी गाड़ी में बैठकर अपने बंगले की तरफ जा रहे थे। तुम उस बंगले के सामने क्या कर रहे थे? उनका बंगला रामलाल श्यामलाल के रास्ते में आता है जी। चलो ये मानकर चलते हैं कि राजीव सेठ का बंगला तुम्हारे रास्ते में आता है, पर क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि रात को 10 बजे जो गाड़ी बंगले में गई वो राजीव सेठ की थी? बत्ती जल रही थी जी, मैं भी आगे बढ़ा, सोचा रामलाल श्यामलाल मौका अच्छा है, सेठ जी से मिन्नत करते हैं और उनसे ड्राइवर की नौकरी फिर से पक्की कर लेते हैं। लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई साहब जी। क्यों, क्या हुआ? अंदर एक मेम साहब उनका इंतजार कर रही थी। कौन मेम साहब? जिसका कत्ल हुआ, नीलम मेम साहब। फिर क्या हुआ? अंदर मौसम बहुत खराब था, बहुत गर्मा गर्मी चल रही थी आपस में। मेम साहब चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि उनके पास कुछ तस्वीरें हैं जो वो दुनिया को दिखाएंगी कि साहब कैसे आदमी है। इतने में साहब ने एक जोरदार तमाचा मारा उनके मुंह पर और कहा कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। इतने में मेम साहब जोर जोर से चीखने लगी, बस मैं वहां से खिसक गया। मैंने कहा रामलाल श्यामलाल, ये मौका अच्छा नहीं है नौकरी। सरासर झूठ बोल रहा है ये। योर ऑनर, मैं रात को अपने घर गया ही नहीं था, मैं रात को जा ही नहीं सकता था, क्योंकि 6 जून की रात को मेरे ऑफिस के इलाके में कर्फ्यू था। मैं कर्फ्यू हटने के बाद सुबह गया था। ये आप कैसे कह सकते हैं? आपके पास कोई सबूत है? जी हां, उस वक्त मेरे साथ ऑफिस में एक औरत थी, वो भी कर्फ्यू की वजह से बाहर नहीं जा सकती थी, हम दोनों सारी रात एक साथ थे। कौन थी वो औरत? उनका नाम बताने का कष्ट करेंगे आप? उस औरत का नाम, बोलिए बोलिए, रुक क्यों गए? किसी की इज्जत का सवाल है।
इज्जत किसकी इज्जत का ढिंढोरा पीट रहा है वो? अव्वल तो आसपास दाएं बाएं कोई लड़की है ही नहीं, और अगर जनाब जान बचाने के लिए कोई गवाह खड़ा कर भी देते हैं तो ले आएंगे कोई लड़की कोठे से उठाकर। तुम्हें बताओ सीमा, कोई शरीफ लड़की उस बदमाश के साथ रात कैसे गुजारेगी? गर्दन फंस गई ना साले की, इसलिए छूट पे आ गया। मैं तो कहता हूं सीमा, उसे फांसी होगी या कम से कम उम्र कैद। ऑर्डर ऑर्डर। प्रोसिक्यूटर और डिफेंस की दलीलों को सुनकर और गवाहों के बयानात से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस नीलम मेहता का कत्ल राजीव सिन्हा ने किया है। योर ऑनर। यस। फैसला सुनाने से पहले मैं अपने एक गवाह को पेश करना चाहूंगा जो अपनी मर्जी से सामने आ रहा है, और मैं समझता हूं कि वो सारे केस का रुख बदल देगा। इसलिए इंसाफ की खातिर मैं अदालत से अपील करता हूं कि उस गवाह का बयान सुन लिया जाए। परमिशन ग्रांटेड। सीमा सक्सेना हाजिर हो। तुम्हारी बीवी है ना? मैं गीता की सौगंध खाकर कहती हूँ, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। सीमा देवी, आप इस केस के बारे में कोर्ट के सामने अपना बयान देना चाहती हैं ना? जी हाँ। तो फिर आप अपने अल्फाज में कोर्ट को बताइए कि 6 जून की रात को क्या हुआ था। योर ऑनर, 6 जून की रात को कर्फ्यू लगा हुआ था। मैं सारी रात राजीव सिन्हा के साथ थी, सुबह होने तक। आप सोच समझकर अपने होशो हवास में बोल रही हैं? जी हाँ, मैं सच कह रही हूँ। आप कोई गवाह या सबूत पेश कर सकती हैं जो आपके इस बयान को सच साबित करे? कोर्ट इस तरह किसी एक गवाह पर यकीन नहीं कर सकती जिसका इस केस के साथ कोई भी संबंध ना हो। जी, उस गवाह का नाम है इंस्पेक्टर एनपी शिंदे। जी हाँ, मैं मिसेस सीमा सक्सेना को पहचानता हूँ। 6 जून को मैंने ही उन्हें कहीं बाहर जाने से रोका था और वो वापस चली गई थी, क्योंकि कर्फ्यू की वजह से कोई भी बाहर जा नहीं सकता था। थैंक यू मिस्टर शिंदे। योर ऑनर, वी रेस्ट द केस। मिसेस सक्सेना के बयान से और इंस्पेक्टर शिंदे की गवाही से जाहिर होता है कि मिस्टर राजीव सिन्हा निर्दोष हैं। इन्हें कोर्ट बाइज्जत बरी करती है, और झूठा इल्जाम लगाने के लिए कोर्ट रामलाल श्यामलाल पर मुकदमा चलाने का हुक्म देती है। तुम्हें यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? अपने घर आई हूं। तुम इसे घर कहती हो? अरे ये तो वो चार दीवारी है जहां झूठ बोला जाता है, धोखे दिए जाते हैं, फरेब होता है, जहां रिश्ते नीलाम होते हैं। अमर, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया है। मेरे लिए? अपनी शराफत और इज्जत का सौदा किया, मेरे प्यार को एक जलील इंसान के हाथों बेच दिया, मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। तुम अस्पताल में आखिरी सांसें ले रहे थे, मुझे तुम्हें बचाना था। पैसों के लिए मैं तुम्हारे भाई के पास गई, अपनी मौसी के आगे हाथ फैलाए। जब और कोई रास्ता नहीं मिला तो मुझे सौदा करने के लिए उसके पास जाना पड़ा। और तुमने सौदा कर लिया, बिक गई तुम, उसके आगोश में ढेर हो गई, जबकि तुम्हारा पति अस्पताल में आखिरी सांसें ले रहा था। नहीं, ये सच नहीं है। तो फिर क्या सच है?
क्या वो सच है जो तुमने मुझे अस्पताल में कहा? क्या ये सच है कि तुमने राजीव सिन्हा से पैसे लिए? हाँ ये सच है, मैंने राजीव सिन्हा से पैसे लिए हैं। तो फिर मुझसे तुमने झूठ क्यों कहा? ये बात मुझसे क्यों छुपाई तुमने? इसलिए कि तुम उस वक्त बीमार थे, तुम में इतनी ताकत नहीं थी कि सच का सामना कर सको। ये क्यों नहीं कहती कि तुम मेरी गरीबी से थक गई थी, रोजी रोटी की चक्रियों से बाहर निकलना चाहती थी, आजाद जिंदगी चाहती थी, दौलत और ऐश आराम की जिंदगी चाहती थी। लेकिन अमर वो पैसे मैंने अपने ऐश आराम पर खर्च नहीं किए, तुम्हारे इलाज पर खर्च किया है, तुम्हें मौत के मुंह से बचाया है। मर जाने देती तो अच्छा था। तुमने जो किया है पैसों के बदले जो बेचा है उससे तो मौत ही अच्छी थी। अब तुम्हें सोच सोच कर जीते जी मरता रहूंगा, मरता। लेकिन अमर उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, उसने मुझे छुआ तक नहीं। छुआ तक नहीं? उसने कुछ नहीं किया? अरे जिसने तुम्हें हासिल करने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढे, हर तरह की लालच दी, पार्टियां दी, लाखों खर्च किए, उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया? नहीं। अरे वो अयाश जो हर औरत को अपने बिस्तर की जीनत बनाता है, उसके साथ मेरी धर्म पत्नी एक रात गुजारती है और वो कहती कि उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया? अमर मुझ पर विश्वास करो। कहती कि मुझ पर विश्वास करो, मुझे सारे शहर में एक मजाक बनाकर रख दिया, हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। उसने चैलेंज किया था कि वो एक दिन तुम्हें खरीद के रख देगा। राजीव सिन्हा कामयाब हो गया, राजीव सिन्हा जीत गया और मैं हार गया, मैं हार गया। नहीं अमर, यूं रोकर अपने आप को दुख मत दो, मैं तुम्हारी सीमा हूं अमर, मैं तुम्हारी सीमा हूँ। नहीं तुम मेरी सीमा नहीं हो, मेरी सीमा तो बिक गई, नीलाम हो गई सीमा। उसने अपने आप को बेच दिया, साथ में मेरे प्यार का भी सौदा कर दिया। चली जाओ इस घर से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, ले जाओ अपने नापाक जिस्म को यहाँ से। तुम एक नाचने वाली की बेटी हो, जाओ कोई कोठा सजाओ। जाओ कोई कोठा सजाओ, ले जाओ अपने नापाक जिस्म को यहाँ से। तुम एक नाचने वाली की बेटी हो, जाओ कोई कोठा सजाओ। माँ बनने वाली हैं। सड़क पर आप सक्सेना अपनी आंखों से पर्दा हटाओ, अपनी जलन, अपनी ईर्ष्या से बाहर निकलो। एक मासूम बेगुनाह लड़की पर इल्जाम लगाकर तुमने बहुत बुरा किया है। कल वो खुदकुशी कर रही थी। जिंदगी के इस कारोबार में कोई खरीदता है, कोई बेचता है, कोई जीता है, कोई मरता है। मिस्टर राजीव सिन्हा, तुमने इतनी शराब पी रखी है कि तुम्हें होश भी नहीं है। ये भी नहीं जानते कि वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। मेरे बच्चे की नहीं, तुम्हारे बच्चे की। राजीव सिन्हा तुम्हारा वारिस पैदा हो रहा है, जाओ खुशियां मनाओ, घी के चिराग जलाओ, ऐश करो मेरी बीवी के साथ। पछताओगे, पछताओगे अपनी इस गलती पर, हजार आंसू बहाओगे और ये जिंदगी लौट कर नहीं आएगी, कभी लौट कर नहीं आएगी।
सर सर कोर्ट आ गया सर। अमर नहीं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमर सक्सेना। अमर, अमर हमारा बेटा निर्दोष है, उसने कोई जुर्म नहीं किया। मैं सच कह रही हूं, वो निर्दोष है। कानून के इस कारोबार में मैं सच्चाई की बात नहीं करता, मैं तो इंसाफ की बात करता हूं। और फिर वक्त भी यही चाहता है कि इंसाफ हो, और इंसाफ तो होगा ही। एक्सक्यूज मी, योर ऑनर, ये केस दिन की तरह रोशन है। मुल्जिम ने ना सिर्फ हैंडबैग को पहचाना है, बल्कि उस पर उसके उंगलियों के निशान भी मौजूद हैं। लेकिन जब हैंडबैग खोला गया और उसमें नशीली ड्रग्स पाए गए, तो मुजरिम ने साफ इनकार कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि मुलजिम जुर्म के मैदान में अनाड़ी नहीं, बल्कि एक मजा हुआ पुराना खिलाड़ी है। बड़े घरों के सर फेरे लड़के महज थ्रिल के खातिर, सनसनी के खातिर जुर्म करते हैं, और अपने लापरवाह गैर जिम्मेदार मां बाप को भी बेनकाब करते हैं। ऐसे लड़कों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऑनर, मुजरिम को हाजिर किया जाए। रोहित सिन्हा हाजिर हो। मिस्टर रोहित सिन्हा, घबराने की कोई बात नहीं, किसी सदमे की वजह से बेहोश हो गए थे। Now he's all right. Thank you. अमर, अमर, ये मंगलसूत्र तुमने अभी भी पहन रखा है? मैंने कसम खाई थी, इसे मरते दम तक पहन के रखूंगी, याद है तुम्हें? लेकिन तुमने तो शादी की है ना? अमर, शादी सिर्फ नाम की थी। सीमा तुम्हारी अमानत है। अपनी गर्ज, अंधेपन और गुरूर से मैंने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी और तुम दोनों को अलग कर दिया। सीमा और रोहित को अपना नाम देकर मैंने अपने पापों का प्रायश्चित किया है। सीमा तुम्हारी अमर और हमेशा तुम्हारी रहेगी। ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे क्या हो गया?
अब तो मैं प्रायश्चित भी नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपने छोटेपन और क्रोध के कारण अपने घर को तिनका तिनका बिखेर दिया। कहां जा रहे हो अमर? मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा, अपने बेटे को बचाना होगा मुझे। लेकिन लेकिन कैसे? और अजीब, क्या ढूंढ रहे हो? नेगेटिव्स, उन तस्वीरों के नेगेटिव्स जिससे रोहित निर्दोष साबित हो सकता है। लेकिन वो नेगेटिव कौन ले जा सकता है? असली मुजरिम जिसने रोहित के साथ अपना बैग बदला था और उसकी शक्ल उस फोटो में साफ दिखाई दे रही थी। मगर अब क्या करें? हो सकता है उस फोटोग्राफर की दुकान में कोई सबूत बाकी बचा हो। यहां भी हर चीज बिखरी पड़ी हुई है, लगता है हमसे पहले कोई आकर गया है। कुछ तो हाथ लगे, वरना कोर्ट में क्या सबूत पेश करेंगे? ये किसकी लाश है? उसी फोटोग्राफर की। मेरे घर से नेगेटिव्स का गायब होना और इस फोटोग्राफर का खून होना यही साबित करता है कि यह काम उसी मुजरिम का है। यह रहा उनका सबूत, उनकी आखिरी उम्मीद भी जलकर राख हो गई। अब तो रोहित सिन्हा बेकसूर साबित नहीं हो सकता, किसी हाल में नहीं हो सकता। कमाल का काम किया डैड आपने, मुझे ना तो सिर्फ इस जुर्म से आजाद करवा दिया बल्कि उसके बेटे को हमेशा के लिए जेल की हवा खिलवा दी। यू आर ग्रेट डैड। योर ऑनर, इस केस के बारे में एक नया सबूत मिला है जो इस केस का रुख बदल सकता है और एक निर्दोष और मासूम जिंदगी बच सकती है। प्रोसीड। हमारे हाथ कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स लगे हैं जो इस केस पर एक नई रोशनी डालते हैं। हालांकि असली मुजरिम ने अपनी तरफ से बड़ी चालाकी से सारे नेगेटिव्स और प्रिंट्स गायब कर दिए, यहां तक कि फोटोग्राफर को भी मार डाला ताकि सारे सबूत खत्म हो जाएं और वो अपनी जान बचा सके। कहते हैं ना कि जुर्म हमेशा अपने निशान छोड़ जाता है, वो ही हुआ ऑनर। इत्तेफाक से उन्हीं फोटोग्राफ्स के कुछ बचे हुए नेगेटिव्स हमारे हाथ लग गए। हमने उन्हें इलाज करके कुछ प्रिंट्स बनाए हैं, उसमें हमें असली मुजरिम की शक्ल साफ नजर आएगी। वो फोटोग्राफ्स पेश किए जाए। कुछ मिनटों की मोहलत चाहूंगा ऑनर। वो सबूत राजीव सिन्हा खुद कोर्ट में लेकर हाजिर हो रहे हैं। ये तस्वीरें फाड़ डाल, सबूत गायब हो जाने पे कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिखा। डैडी तो सब ब्लैंक हैं। अब तो फंस गए हम लोग।
कहां जाओगे रामलाल श्यामलाल? तुम अपने जाल में खुद ही फंस गए। कोर्ट में लिफाफा छीन कर तुमने खुद ही अपने आप को मुजरिम साबित कर लिया है। वकील साहब, पकड़ा जाऊंगा तब मुजरिम साबित होगा ना, पर जब मैं नीलम का खून कर सकता हूं, उस फोटोग्राफर का खून कर सकता हूं, तो तुम दोनों का खून करना तो मेरे लिए बहुत आसान काम है।